वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होगा एक हॉल वीडियो एंड ये होगा एक टॉपवेयर हॉल। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हैं ये मैंने अंडर 200 रुपीज़ खरीदा है एंड ये मैंने सारी के सारे पेटीएम से खरीदे हैं। मोस्टली रिलायंस ट्रेंड के क्लोथ्स है एंड पेटीएम पे ऐसा ऑफर चलता है वंस अ मंथ, एक कूपन कोड होता है कि 99.99 के अबाव अगर आप शॉपिंग करते हो तो आप वो कोड लगा सकते हो, इससे आपको 200 ऑफ मिलेगा। एंड ये आप रिलायंस ट्रेंड के क्लोथिंग पे आप इसे इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हो एंड आप पैंटलूंस के क्लोथिंग पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने कुछ इस महीने ख़रीदा है एंड कुछ लास्ट मंथ ख़रीदा था। तो जब भी मुझे कुछ अफोर्डेबल शॉपिंग करना होता है, लाइक मेरा एक थोड़ा सा कम बजट होता है, तो मैं पेटीएम देखती हूँ क्योंकि पेटीएम पे अमेजिंग ऑफर्स होते हैं। एंड ऑल्सो फ्लिपकार्ट पे भी मैं देखती हूँ क्योंकि मिंत्रा अगर मैं फ्लिपकार्ट कंपेयर करूँ तो बहुत ही ज़्यादा आई फील कि बहुत ही ज़्यादा कम यू नो टैक्सेस लेती है फ्लिपकार्ट। सो इसीलिए मुझे फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अराउंड 8 या 9 क्लोथिंग आइटम्स, ये नहीं ये मेरा घर का है, 8 या 9 क्लोथिंग आइटम्स मैंने लिए। कुछ मैंने पहने हैं, कुछ मैं मतलब कुछ टैग के साथ ही है, कुछ अभी मतलब आज ही अराइव हुआ है। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो टुडे एंड शोइंग यू गाइज कि मैंने क्या क्या परचेज किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या परचेज। तो फर्स्ट है ये टॉप एंड ये टॉप है फ्लाइंग मशीन का एंड ये एक बेसिक ब्लू कलर का एंड यहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर का है एंड इस पर ये वर्क दिया है, ये स्टड्स है एंड इसका जो MRP है ये है 699 रुपीज़। एंड जैसे कि मैंने बोला कि मैंने कोड यूज़ किया, जो भी कोड जिस भी प्रोडक्ट के लिए मैंने यूज़ किया है वो मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, सो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। सो ये फर्स्ट आइटम है एंड ऑफकोर्स मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी, लाइक मैं फोटो इंसर्ट करूंगी कभी यहाँ पे या फिर इसके बाद कहीं से। सो दिस इज सेकेंड है रिलायंस ट्रेंड की तरफ से ये वाला एंड ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, वाइट कलर का है एंड इस पर गोल्ड ऐसा डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है एंड मैं इसे ब्लू के साथ नहीं मैं इसे मरून के साथ पहनूंगी। फ़ोटो में आपको दिख सकता है कि मैं मुझे नहीं पता कि मैं किसके साथ पहन के दिखाऊंगी, बट जब मैं इसे पहनूंगी एक्चुअल में तभी मैं इसे मरून के साथ पहनूंगी। तो इसीलिए मैंने इसे ख़रीदा है एंड ये लाइक होइजरी मटेरियल में एंड ये जितने भी टॉप्स मैंने खरीदा सब मैंने एस साइज़ में ख़रीदा है, 34 बस्ट तो एस साइज़ मुझे फिट आता है तो सारे में मैंने एस साइज़ ख़रीदा है। तो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है एंड ये इसका भी टैग है मेरे पास, लाइक थोड़े बहुत आवाज़ आ रही है तो यू नो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ऊपर। ये 499 रुपीज़ का है एंड इस पर भी जैसे कि मैंने बोला कोड लगाया था मैंने। ऑल्सो नेक्स्ट भी मैंने रिलायंस की तरफ से ही ख़रीदा एंड रिलायंस स्ट्रेंथ की क्लोथिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लगती है एंड ऑल्सो उनकी जो क्वालिटी होती है, लाइक आप 20 में से एक या दो यू नो एक हाथ ख़राब हो सकता है बट बाकी के बाकी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि लाइक आई थिंक कि मेरे वॉर्डरोब में जितने भी कपड़े हैं उसमें से 30 या 40% रिलायंस ट्रेंड की ही क्लोथिंग होगी बिकॉज दे आर सो अफोर्डेबल एंड द क्वालिटी सो गुड। सो मैंने ये नेक्स्ट ख़रीदा है बेबी पिंक कलर का, इस पर लिखा है बीइंग एनीवेयर एंड ये यहाँ पे एक पैच वर्क है, यहाँ पे एक पैच वर्क है एंड यहाँ पे नीचे एक छोटा सा ऐसे टैग है एंड ये बेबी पिंक कलर का है, ये भी एस साइज में खरीदा है मैंने एंड ये आई थिंक ये कॉटन है, पता नहीं क्या मटेरियल है, इसे भी मैंने पहना नहीं है एंड इसका जो MRP है ये 499 रुपीज़ है। ओके सो ये नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है ये भी रिलायंस ट्रेंड की तरफ से एंड इस पर लिखा है एवरी डे इज़ अ न्यू एडवेंचर एंड ये इसका और उसका पैटर्न सिमिलर है मुझे पता है बट वो पिंक में था एंड ये बेबी ब्लू कलर का है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो ये मैंने इसे भी ख़रीद लिया एंड इसके हाथ पे भी यहाँ पे पैच वर्क है यहाँ पे एंड नीचे भी इसके पैच वर्क है तो मुझे पैटर्न तो ठीक ही है, मतलब सेम टू सेम ही लग रहा है बट देन ये मुझे अच्छा लगा तो इसे भी मैंने ख़रीद लिया सो नेक्स्ट ये है रिलायंस ट्रेंड की तरफ से, ये स्मॉल साइज में है, ये कॉटन में है एंड इस पर लिखा है ऑल आई नीड इज कॉफ़ी एंड मस्कारा एंड ये मैंने तभी इसीलिए इस रिटर्न मतलब जो भी लिखा हुआ है इसके वजह से ख़रीदा है, कॉटन का है एंड इसके नीचे इस तरीके का मटेरियल है एंड इसे मैंने पहना है और दो बार पहना है, इसे वॉश किया है, इसका कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है।
नेक्स्ट एक ब्रांड है शुग्रिया, फिर SUGR शुग्रिया, पता नहीं क्या। सो ये भी कॉटन मटेरियल में एंड इसका जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये ब्रांड के बारे में मुझे पता नहीं है, इसको भी मैंने स्मॉल साइज में खरीदा, इसका भी फोटो मैं इंसर्ट कर लूँगी। ये भी मैंने कोड दे के ही लगाया था, मतलब कोड दे के ही मुझे अंडर 200 रुपीज़ मिला। ये जो कुछ भी है मैं मैंशन कर लूँगी। ये रिलायंस ट्रेंड की तरफ से उनका मतलब सब ब्रांड है कोई फिग, एंड ये एक्सेस में खरीदा था, होइजरी मटेरियल है एंड ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। इसे भी मैंने पेटीएम से खरीदा था कोड लगा के ही, एंड इस पे मतलब बॉबल्स टाइप का कुछ इस तरीके का आया है। एंड दिस इज द ओनली प्रोडक्ट दैट आई डिड नॉट लाइक, इसे मैंने एक बार पहना, एक वॉश में ही ये ख़राब हो गया। एंड ये क्रॉप टॉप है तो ये मुझे मतलब मैं पहनूंगी इसे, बट फिर भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप यू नो अगर स्टोर पे भी देखो तो ये बिल्कुल भी मत खरीदना। एंड इसे थोड़े बहुत लाइक ऐसे स्लीव्स है कि यहाँ पे इसका जो मतलब स्लीव ये वाला जो है ये यहाँ पे आता है, तो इसका टोटल यहाँ पे मतलब क्या कैसे समझाऊँ मैं, इस तरीके का है ये, इस तरीके का दिखता है, फ़ोटो में आप देख लोगे। सो दिस इज़ वन प्रोडक्ट जो मुझे अच्छा नहीं लगा, बट एनी वे होता है। तो ये भी है शुग्र या जो कुछ भी इसे जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं इस तरीके इस ब्रांड से, एंड ये मेहंदी कलर में है एंड इस पर लिखा हुआ है ड्रीमर। एंड इस पर एक और कलर अवेलेबल था, आई थिंक दो कलर्स अवेलेबल थे, एक ब्लू था एंड एक पीच कलर था। ऑलरेडी मैंने एक पीच कलर ख़रीद लिया है तो मुझे ये अच्छा लगा, एंड ऐसे कलर का मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बट फिर भी मुझे ये अच्छा लगा। स्मॉल साइज में है, कोट देके ख़रीदा है तो ये भी मुझे अच्छा लगा, सो मैंने ख़रीद लिया। वो था मेरा हॉल अंडर 200 रुपीज़, एंड आगे भी मैं और थोड़े हॉल्स करूँगी। आई एम जस्ट कलेक्टिंग अ फ्यू प्रोडक्ट्स अंडर 300, अंडर 500, ऑल्सो फुटवेयर हॉल एंड बैग हॉल, ऐसा भी करने का मेरा इरादा है इन द न्यू नियर फ्यूचर। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय फ्यूचर वीडियो। वीडियोस पोस्ट करती हूँ एवरी सिंगल डे, एंड दैट इज व्हाई प्लीज यू शुड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।